नीति वचन तीसरे अध्याय की पद संख्या 27। यदि तुझ में सामर्थ हो तो जिनका भला करना चाहिए उनका भला करने से ना रुकना। तुम बोलोगे प्रार्थना में, प्रभु आपको नहीं मालूम लोग हमको कैसे सता रहे हैं या हमको कितना सुनना पड़ रहा है। प्रभु बोलेंगे, हम जानते हैं अच्छा करने के लिए तकलीफ झेलना क्या होता है। फरीसियों का पाप समझो, तुम्हारे सामने कोई मरा जिंदा हो जाए, किसी अंधे को आंख मिल जाए, कोई कोढ़ी शुद्ध हो जाए, कोई पापी माफ हो जाए, कोई रोगी चंगा हो जाए, और तुम परमेश्वर को महिमा नहीं देकर तुम उस व्यक्ति को जब सताते हो या उस पर आरोप लगाते हो जो उनकी मदद कर रहा है, तो तुम समझो प्रभु यीशु कैसे कठोर हृदय वाले लोगों से घिरे हुए थे। वो चमत्कार, वो जीवन जिसको देखकर पापियों की आंख भर जानी चाहिए। यदि उस भलाई को देखकर कोई कठोर होकर उसी भला करने वाले को जब तंग करता है, हम तो अच्छा करेंगे नहीं, तुमको भी नहीं करने देंगे। जीवन बदल गए, लोग चंगे हो गए, ट्रांसफॉर्म हो गए, लेकिन उन लोगों ने परमेश्वर को महिमा नहीं दिया क्योंकि वो अंधे थे। फिर प्रभु यीशु ने अच्छा करने में हार नहीं दी, उनकी सेवा रुकी नहीं, उनके कदम रुके नहीं। और उनको मालूम है कि अच्छा करने के कारण कैसे रेजिस्ट किया जाता है, कैसे मजाक उड़ाया जाता है, कैसे ईवल प्लॉटिंग होती है। तो सवाल होगा, भाई अच्छा करने में जीवन में रुकावट क्यों है? क्योंकि इस युग का जो परमेश्वर है वो शैतान है, लोगों के मन अंधकार में है। प्रभु यीशु के समय में हेरोद हो, पायलट हो, फरीसी हो, जितने भी लीडरशिप पोजीशंस थी, सब सैटेनिकली इन्फिल्ट्रेटेड थी, मतलब दुष्ट लोग राज कर रहे थे। आज भी कुछ फर्क नहीं है। जिस दिन तुम बोलते हो मुझे अच्छा जीवन जीना है, तुम इंस्टेंटली एक टारगेट हो। यदि किसी को इन तकलीफों से बचना है, वो मुरझा जाए, उसके कदम पीछे मुड़ जाए, वो ठंडा हो जाए। जब हमको अच्छा करने के कारण, सही करने के कारण, भले काम करने के कारण, वो जो हम जानते हैं सही है करने के कारण हमारे जीवन में रुकावट आती है, तब दो ही चीजें हो सकती है। या तो हम दुखी होकर पीछे मुड़ जाए, या हम अपने मन में निश्चित हो जाए कि मैं जीऊं तो मसीह का हूं, मैं मरूं तो मसीह का हूं। हम निश्चित हो जाए कि अच्छे करने वालों का प्रभु भी प्रभु यीशु है। आमेन। जब कोई एक व्यक्ति मन में ठान लेता है मुझे अच्छे काम करने हैं, मुझे सही जीवन जीना है, और जब तुम्हारे काम दूसरों के सामने चमकते हैं, क्या तुम इस बात को समझते हो कि तुम्हारे अच्छे काम ही उन पर दोष लाते हैं? उनको घृणा इस बात से है कि तुम्हारे अच्छे काम उनको गिल्ट लाते हैं। अच्छा काम करने में रुकावट है। पाप करो, कोई रुकावट नहीं। झूठ बोलो, कोई रुकावट नहीं। गाली दो, कोई रुकावट नहीं है। हर गलत काम में कोई रुकावट नहीं है। जहां आदमी अच्छा करना सोचता है तो उसको समझ में आता है जीवन के मायने बदल जाते, आगे बढ़ना, दूसरों से प्यार करना, प्रभु की सेवा करना, दूसरों को माफ करना, जो सत्य हम जानते हैं उसके अनुसार जीना, अपने आप को निरंतर प्रभु को देना, यह आसान नहीं है। जब कोई अच्छा करता है वो अपनी लाइफ को रिस्क में डाल रहा है, बट जब एक व्यक्ति अच्छा करने में हार नहीं मानता, वो दिखाता है उसके जो कन्विक्शंस हैं वो बहुत डीप है। मैं हमेशा बोलता हूँ, कितना जानते हैं उससे ज्यादा जरूरी है हम जो जानते हैं वो कैसे जानते हैं। ज्यादा ज्ञान जरूरी नहीं है, लेकिन क्या उन बातों की गहराई है जिनको हम जानते हैं, क्या वो विश्वास गहरा है? जब वो व्यक्ति बोलता है कि हम अच्छा करने में हार नहीं मानेंगे, वो क्या बोल रहे हैं? मेरे कन्विक्शंस डीप है, आई एम कन्विंस्ड है, आई एम फुली परसुएडेड, मैंने मन बना लिया है, मेरा मन बना हुआ है, इस बारे में मैं निश्चित हूँ। इस जगह कॉम्प्रोमाइज का सवाल नहीं होता, क्यों? मैं परसुएडेड हूँ, मैं अपने माइंड में फुली कन्विंस्ड हूँ। ये चीज नेगोशिएशन के लिए नहीं है। परमेश्वर ने जब सृष्टि बनाई, अच्छी बनाई, भली बनाई, गुड। जब मैन को बोला, बोला वेरी गुड। उत्पत्ति 1:31 में जब उसने अपने छठे दिन के कामों को दिखा, बोले ये बहुत अच्छा है। क्यों? परमेश्वर शुरू से अच्छा करते हैं। तो पहला रीजन मैं क्यों नहीं बंद करूं? क्योंकि पिता परमेश्वर अच्छे काम करते हैं, जिसने जो बनाया अच्छा बनाया। हमको उसने यीशु मसीह में चुना है, हम उसके हाथों की कारीगरी है, ताकि हम भले काम प्रकट करें। परमेश्वर हमको अनुग्रह देता है वो भले काम करने के लिए। परमेश्वर का वचन कहता है अच्छे काम करने में हार मत मानो, गलातियों 6:9। अच्छा करने में हार मत मानो, क्योंकि सही मौसम पे तुम उसका प्रतिफल देखोगे, सही समय पे उसका प्रतिफल देखोगे।